हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जाति के बाद बजरंगबली की नस्ल और वर्ग भी खोज लाई बीजेपी। पवनपुत्र और संकट मोचन जैसे कई नामों से पुकारे जाने वाले बजरंगबली हनुमान इन दिनों राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले हनुमान को दलित जाति का बताया, जिसके बाद कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अभी तक हनुमान जी को अलग अलग जातियों में शामिल कर लिया है। पहले बजरंगबली की जाति पर घमासान था, अब उनकी नस्ल वर्ग पर भी खोज कर ली गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बताया। अलवर के एक रैली में उन्होंने कहा था कि बजरंगबली दलित थे। उन्होंने बजरंगबली को दलित, वनवासी, गिरवासी और वंचित करार दिया था। योगी ने कहा था कि बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है, दलित है और वंचित है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हनुमान दलित है जैसी टिप्पणी मुझे अनुचित नहीं लगती। उन्होंने इसका जवाब योगी से ही पूछना चाहिए। उन्होंने रामायण के एक पक्ष को अपने हिसाब से बताया है। पंचायत आज तक में अमित शाह की योगी एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हनुमान का वर्णन किया है तो वो बेहतर बता पाएंगे। अभी योगी के बयान पर घमासान शुरू ही हुआ था कि केंद्र सरकार के एक मंत्री ने उन्हें आर्य नस्ल का बता दिया। अलवर में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने शुक्रवार को कहा कि हनुमान जी दलित नहीं आर्य नस्ल के थे। उन्होंने कहा कि राम और हनुमान के समय में जाति व्यवस्था नहीं थी और उस जमाने में वर्ण व्यवस्था थी। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदन कुमार साय का भी बयान आया। उन्होंने हनुमान को अनुसूचित जनजाति बताया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति में हनुमान एक गोत्र होता है। हनुमान जी दलित नहीं है, अनुसूचित जनजाति के हैं। हनुमान जी की जाति का मुद्दा जब से राजस्थान के चुनाव प्रचार में सामने आया है, कांग्रेस तभी से बीजेपी पर हमलावर है। ये मुद्दा अब कानूनी दावपेच में भी उलझता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर कई संगठनों आयोगों ने उन्हें नोटिस भेजा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।